मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। वो सीधी हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले फ्रांस की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लता दीदी को सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया का आदर्श माना जाता है। लोग मानते हैं उन्हें अपने आदर्श के तौर पर। उनके गाने पूरी दुनिया में गाए और सुने भी जाते हैं। इसकी वानगी फ्रांस में भी आज दिखाई दी, जब एक फ्रांसीसी छात्रा ने उनका गाना अजीब दास्तां है ये गा करके लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। आप भी सुनिए। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, है मंजिल है कौन सी, ना वो समझ सकी ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, है मंजिल है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से। देखती हूँ मैं कि जग परी ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिल है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो। तो लता मंगेशकर की लोकप्रियता ही थी कि फ्रांसीसी कलाकार भी आज उनके गाए हुए गीत को गा रही हैं, जैसा तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अभी ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस सड़क की जहां से लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जा रहा है शिवाजी पार्क तक। शिवाजी पार्क में ही अंतिम विदाई दी जानी है लता मंगेशकर को, और उसके पहले ये जो रास्ता है जहाँ से धीमे धीमे पार्थिव शरीर को आगे लेकर के जाया जा रहा है, वो हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, लता मंगेशकर के निधन की खबर से उनके फैंस गमगीन हैं। हर कोई उन्हें अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि आज दे रहा है। जहानाबाद में एक छोटी सी सिंगर है, वो लता मंगेशकर के गीत गाते गाते रो पड़ी, वो भी दिखाते हैं आपको। आज इस दुनिया से कला और संगीत का अध्याय समाप्त हुआ। मैं लता जी की मौत से काफ़ी गहरे सदमे में हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं को सुना और उन्हीं की तरह गाने की कोशिश की। वो मेरी प्रेरणा थी, हैं और रहेंगी। उनके याद में एक छोटा सा गाना। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, हो लग जागने तो छोटी बच्ची को भी आपने सुना जो लता मंगेशकर के गाने गा रही थी। ये कह रही थी कि उन्हीं के गाने मैंने सुने हैं और उन्हीं के गाने आगे भी सुनती रहूंगी। अपना आदर्श मानते हैं छोटे बच्चे भी लता मंगेशकर को। एक लेजेंड के लिए ही क्रिएट हो सकता है
ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होती, और हम लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हम उन शख्स में से हैं जिनको लता दीदी से मिलने का मौका मिला, उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला, उनके साथ बैठकर उनके घर पे चाय पीने का मौका मिला। लता दीदी का व्यक्तित्व, उनकी बातें, उनकी जो चहल, बड़ी ही स्वीट पर्सनालिटी थी, वो सिर्फ हम एहसास अपने साथ रख सकते हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जितने भी कंपोजर्स हैं या सिंगर्स हैं, जिनसे भी हमारी लगातार बात होती रही है लता दीदी को लेकर, हर कोई यही कहते हैं कि उनके साथ बैठकर जो एक अपनेपन की अनुभूति होती है, वो आम तौर पर उसे महसूस कर पाना मुश्किल है। तो आज उस अपनेपन का कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि अब वो नहीं रही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हम उस एहसास को अपने पास रख सकते हैं। हालांकि बस कुछ ही समय का वक्त है, बड़े बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन हों, चाहे वो संजय लीला भंसाली हों, चाहे वो मधुर भंडाकर हों, इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग प्रभु कुंज उनसे मिलने आए हैं, ठाकरे परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉपरेट किया। बिल्कुल सोनल, मेरी सहयोगी को आप सुन रहे थे जो ये कह रही हैं कि सौभाग्यशाली वो रही जो लता मंगेशकर से मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये ठीक बात भी है। देखिए, जब एक बुलंदी छू लेता है कोई शख्स तो कहते हैं कि उसके अंदर अभिमान आ जाता है, एक अखड़पन आ जाता है, और ऐसे में वो हर किसी से मिलना पसंद नहीं करता है, या अगर मिलता भी है तो उतने अपनेपन से नहीं मिलता है। लेकिन सोनल जैसा आपको बता रही थी कि खुशकिस्मत वो है कि न सिर्फ लता दीदी से मिल पाई बल्कि उनका आशीर्वाद उन्हें मिला, उनके साथ चाय पानी कर पाई। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर अब जिस जगह पर थी, जो कद था उनका, न सिर्फ संगीत की दुनिया में बल्कि आम लोगों के बीच में भी, जो उनकी शख्सियत थी, जो ऑरा उनका था इतना बड़ा, वहां तक पहुंच पाना और उनका आशीर्वाद ले पाना, ये जाहिर सी बात है जो भी उनसे मिला है जीवन में एक बार भी, वो खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है। और सोनल भी कुछ इसी बात का जिक्र कर रही थी, आज अंतिम विदाई जब लता मंगेशकर को दी जा रही है तो किस तरह से एक बड़ा हुजूम मुंबई की सड़कों के ऊपर उनके ये अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पीछे पीछे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें प्राप्त होता है। लता मंगेशकर उन्हीं में से एक, आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आगे, आपको गाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें पार्थिव शरीर है लता दीदी का, और उसके पीछे पैदल उनके पीछे चल रहे हैं अंतिम विदाई उन्हें देने के लिए। और दूसरी तस्वीर में शिवाजी पार्क हम आपको दिखा रहे हैं जहां अंतिम विदाई दी जानी है लता दीदी को। भारी मन से आज हर कोई याद कर रहा है लता मंगेशकर को, और हमारे बीच हमेशा मौजूद वो रहेंगी अपने सुर के जरिए, अपने गीतों के जरिए, और आज हर कोई उनकी शख्सियत को अपने ढंग से याद कर रहा है। जब वो मिले लता दीदी से तब क्या हुआ, किस तरह से उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं लता मंगेशकर, किस ढंग से उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रही हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आज हर कोई याद कर रहा है, अपने ढंग से बताने की, जताने की कोशिश कर रहा है कि लता मंगेशकर के साथ बिताए हुए वो जो पल थे वो कैसे थे। कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं। और इसी बीच आपको सुनाते हैं बाबुल सुप्रियो उन्हें किस ढंग से याद कर रहे हैं। अमर होते हैं, इनको किसी तरीके से कोई भी युग में, कोई भी युग के दायरे में इनको आप नहीं रख सकते। युग युगांतर तक लता जी जैसे आदेश, किशोर कुमार जैसे आदेश ये चलते रहेंगे। जब तक मानव जाति गाने सुनेंगे तब तक लता जी के गाने उनका दिल का एक हिस्सा बन के रहेगा, जिंदगी का एक हिस्सा बन के रहेगा। आज 6 फरवरी हमारे लिए एक बहुत दुखद दिन के रूप में हमारी जिंदगी में रह जाएगी दिन, बट लता जी मेरी आवाज़ ही पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, ना उनका नाम। बिल्कुल, तो मेरी आवाज़ ही पहचान है, बाबुल सुप्रियो भी अब यही बात कह रहे हैं कि लता मंगेशकर के गाए हुए जो गीत हैं वो सदियों तक याद किए जाएंगे, बरसों तक सुने जाएंगे। और कई पीढ़ियां रही हैं जिन्होंने लता मंगेशकर के गाने को सुना है, सुनते हुए बड़े हुए हैं लोग, उनके गाने पर रिमिक्स बना है।